हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉ करके बताने वाला हूँ ये हेयर्स एंड बियर्ड कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो हमेशा हेयर्स एंड बियर्ड बनाते वक्त तो एक बात का ध्यान रखना कि आपकी पेंसिल हमेशा एकदम शार्प हो, और फिर आपको स्ट्रोक्स लगाते जाने हेयर में फ़ोटो को ऑब्जर्व करके कि आपकी जो आपने जो फ़ोटो चूज़ करी है उस फोटो में किस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं, आपको उसी डायरेक्शन में हेयर्स को ड्रॉ करते जाना है। ये सबसे पहले मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, एंड आपको पेंसिल का जो प्रेशर है वो बिल्कुल लाइट रखना है, आपको एकदम डार्क नहीं करना है, बिल्कुल लाइट प्रेशर का यूज़ करके आपको स्ट्रोक्स लगाते जाना है। आपको कोई सा भी ब्रश ले लेना है, ये मैंने फ्लैट ब्रश लिया है जो कि मेकअप ब्रश है, आप कोई भी ब्रश का यूज़ कर सकते हो, बस वो फ्लैट होना चाहिए और फिर उससे आपको ब्लेंड करते जानी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ब्लेंडिंग होने के बाद ये कितना ज़्यादा डार्क हो चुका है जो कि काफ़ी अच्छा टेक्सचर देता है आपकी ड्रॉइंग में। फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन की हार्ड चारकोल पेंसिल जो कि सबसे ज़्यादा लाइट रहती है, उसका यूज़ मैं करूँगा हेयर के नीचे, मतलब उनके जो ईयर्स है उसके ऊपर। गाइस, हाइलाइटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो हाइलाइटिंग के लिए मेरे पास टॉम्बो बोनोज इरेजर नहीं है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये नॉर्मल डॉम्स की पेंसिल जो कि 5 रुपीज़ तक में मार्केट में मिल जाती है। इसके पीछे का इरेजर मैं यूज़ करूँगा जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से ये कलर को इरेज कर रहा है, मतलब पेंसिल की शेडिंग को इरेज कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको अपनी फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके हाइलाइटिंग्स कर देनी है, एंड फिर वापस हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज़ करके हेयर्स जो छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं बालों के एंड में, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे हेयर्स बना देना है, उससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो हेयर्स तो बन गए, एंड अब मैं बनाऊंगा बियर्ड जिसमें मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ हार्ड चारकोल पेंसिल्स। फिर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके नीचे वाले पार्ट को बना लूँगा बियर्ड का जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क पार्ट होता है। एंड फिर इसे ब्लेंड करके हाइलाइटिंग्स कर देनी है। तो हाँ, यही कुछ था आज के वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आपको आर्ट से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। एंड उसके पास में घंटा होगा, उसे भी दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।